ऑस्ट्रेलिया की बचा के रख दिया यार। तो जनाब ये जो हो रहा है ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। मैच देखकर आप सब हैरान हो गए होंगे, रोहित शर्मा ने क्या पेला? ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है रोहित शर्मा ने यार। इतना अटैक इतना अटैक, मिचेल स्टार्क का तो कैरियर खत्म हो गया है, उस बेचारे का समझ नहीं आ रही यार। इतने छक्के यार, मजा आ गया रोहित शर्मा यार। क्या एटीट्यूड है यार, क्या एटीट्यूड है, क्या कमाल कारकर्दगी दिखाई है। कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है लड़खड़ा के इस तरह से खड़ी होगी। ये बात सुनो, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो फुदक रहा अब। इंडिया हिंदुस्तान, अब आपके पास वो मौका है। ओल्ड रोहित शर्मा, द किलिंग रोहित शर्मा, द रो सुपर हिटमैन रोहित शर्मा इज ईटिंग ऑस्ट्रेलियंस यार। क्या धागा खोल के रखे ऑस्ट्रेलियंस का। मुगेम्बो खुश वक्त, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया जनाब, बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया। किट्टू खुश हुआ, उनको पता है कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने हमें फाइनल हराया था, और हमारे पास इससे ज्यादा बड़ा मौका नहीं हो सकता। पिछली हार का बदला उतारे, सिर्फ इनको हराना नहीं है, इस टीम को आप इनको वर्ल्ड कप से बाहर फेंकना है। बिल्कुल फेंके, डस्टबिन में फेंकना है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया। माय गॉड, डेफिनेटली इंडिया जीत गया। घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ मार मार के भुर्ता निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया का। वेल डन, वेल वेल, समझ रहे हो? पेला पेला ऐसा पेला, पेला पेला एक कंगारू ऐसा पेला कि बन गया कोवा काला। वाह 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 वाह, बोलो उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर धड़ाम। पैट कमिंस को जो सबसे आहर में छक्का पड़ा, इतना लंबा छक्का यार, इतना लंबा छक्का, वो ऑस्ट्रेलियंस को समझ नहीं आ रही यार ये क्या हो रहा है, ये रोहित शर्मा क्या कर रहा है। इतने बड़े हरीफ को हरा के और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके इसकी डबल खुशी होगी आई एम श्योर। वो समझ रहे थे विराट कोहली गया तो बस अब हम मैच जीत गए, जैसी उनकी सेलिब्रेशन थी भाई, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया विराट कोहली को जीरो पर आउट करके। बट नहीं, रोहित शर्मा खड़ा है भाई, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया यार। आप देखो तो सही यार, छक्के तो हर सब मारते, बटलर भी मारते, रूट भी मारते, स्टोक्स भी मारते, सब बड़े प्लेयर मारते हैं, लेकिन जो उसका स्टाइल है ना मारने का, वो छक्का देखने का मजा आता है। उनको एक ही गेम आती है मारना, अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मारा टका के, अब घंटा बजा दिया आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का। ओए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया है, बजा दिया है। इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप, मजा आ गया। हलवा खाएं और सो जाएं। ये वही ऑस्ट्रेलिया ना, वर्ल्ड कप से पहले कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया को आप फेवरेट मानो, टफ टाइम देगा इंडिया को। अब किस टीम को सपोर्ट कर रहे, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। मेरा एल जीतेंगे ये मैं जानता हूँ, जीतेगा तो इंडिया जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप। सबको पता है, बच्चे बच्चे को गली गली में पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यार, इंडिया ने तो बता दिया। और कितनों को हराया उसने, आधे पूरे एशिया को हराया, जितने भी उसमें टीम्स थी, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन टीम थी। मैंने एक चीज बड़ी देखी है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया और एक पाकिस्तानी मीडिया, ये फुदड़ नहीं बाहर आएंगे। ऑस्ट्रेलियन कंगारुओं में बड़ा जज्बा था, बड़ा घमंड था, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे। आपकी जो आकड़ थी, इनको लगता था जो है वो हम है, हमारी टीम दुनिया में सबसे ऊपर है, बाकी कीड़े मकोड़े हैं। सुनते जाइए। और अफगानिस्तान से हारने के बाद तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि हम इस हार का बदला इंडिया से ले लेंगे। ले लिया। ऐसा रोहित शर्मा आपने नहीं देखा होगा भाई स्टार्ट से, उसके अंदर जो फानियों के अंदर आग थी उससे 10 गुना बड़ी आग है रोहित शर्मा के अंदर, उससे 10 गुना ज्यादा उसके अंदर है कि भाई मैंने बदला लेना है। ये जो रोहित शर्मा की पावर हिटिंग है, ये बदले वाली पावर हिटिंग है, ये बदला लेने वाली पावर हिटिंग है कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना है। हमारे भारतीय टाइगर्स ने इनको ऐसा फेंटा लगाया कि ये जो हवा में उड़ रहे थे ना, नीचे आकर गिरे, और हमारी इंडियन टीम ने इनको बताया कि बेटा कंगारू हवा में नहीं उड़ते, वरना जो वो बच्चों वाला खेल है ना चिड़िया उड़ वाला, उसके रोल ही चेंज हो जाएंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया ना, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा के सुझा के घुसा दिया हुआ ना, तब से ऑस्ट्रेलिया एक बार बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया होगा, उनको पता नहीं उनके साथ हुआ क्या है। दूसरी टीमों के खिलाफ ने खौफ पैदा कर दिया, उसने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर दिया तो ये इंग्लैंड उसके लिए हलवा होगा, हलवा पूरी खाते थे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे।
आज के मैच में जो जोश, जुनून, आक्रामक रवैया हमने देखा हमारी टीम का, वो काबिले तारीफ है। तालियां होनी चाहिए हमारी टीम के लिए। और आज जो ऑस्ट्रेलिया की हार है, वो ना सिर्फ पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की हार का बदला है। सुनते जाइए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है ऑस्ट्रेलिया, अब इसका कोई काम नहीं है। चलो फुटो यहाँ से, निकलो पहली फुर्सत में। ऑस्ट्रेलिया वाले भाईजान बड़े गुरूर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाई टीम है क्रिकेट की हिस्ट्री की, जो किसी को आंख नहीं उठाने देती, लेकिन इंडिया वाई टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की आंख नीचे रखती है। वाह 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 वाह। और वैसे भी ये ऑस्ट्रेलियन ये ट्रॉफी डिजर्व ही नहीं करते, पिछले साल कैसे पैर रखकर खड़े थे ट्रॉफी पर। मतलब बदतमीज टीम हो आप, ट्रॉफी जीत के उस पे पांव रख देते हो, नालायक कहीं के। आज दोबारा से एक्शन रीप्ले हुआ 2023 के वर्ल्ड कप का। भारत की इस बड़ी कामयाबी पर उसका नालायक बेटा पाकिस्तान अपनी राय ना दे, ये कैसे हो सकता है। और ये वही ऑस्ट्रेलिया वाले हैं जो पाकिस्तान को आज तक जीतने नहीं देते, ना अपने घर में ना उनके घर में। और ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसको इंडिया आंख भी उठाने नहीं देता, ना अपने घर में ना उनके घर में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया के सामने नाम लेना इंडिया का तो ये रोना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनको पता है इनकी याद मत करके गए थे, इनकी याद मत करते हैं, इनकी याद मत होती रहेगी। आओ, क्या बात किए के मार मार के ऑस्ट्रेलिया का धुआं लाल कर देना सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया ही जीतेगा। ये सिर्फ रोहित शर्मा कर सकता है भाई। आज रोहित, आज ऑस्ट्रेलियंस की हैर नहीं है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, इंडिया जीत गया। और आज ऑस्ट्रेलियंस का फेंटा लगना है, आज ऑस्ट्रेलियंस का घंटा बजना है। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, इनकी हैर नहीं है। जिस किलिंग फॉर्म में रोहित शर्मा नजर आ रहा है, मतलब रोहित शर्मा इज सो हॉट, रेड हॉट फॉर्म यार, बजा के रख देनी है उसने ऑस्ट्रेलियंस की। और मचल मार्च तो कह रहा था इंडिया से बेटर टीम तो कौन हो सकती है जिसको हम हराएंगे और आगे आएंगे, इट्स लाइक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। तो देख ले बेटा रोहित शर्मा तुम लोगों के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में क्या कर रहा है। रोहित शर्मा इज इन रिवेंज टोन। इंडिया इंडिया मारेगा के स्टार के छक्के छुड़ा देगा। दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। क्यों? Because I am Asian and I am supporting my Asian team India. Nagar din tha India. India. क्यों इंडिया को क्यों इतनी सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारे टीम बेस्ट है, हमारे भाई हैं, हमारा हक बनता है। पापा बोलो बेटा पापा। जब सुपर एट शुरू हुए मैंने प्रिडिक्शन की इंडिया और अफगानिस्तान इस ग्रुप में से क्वालिफाई करेंगे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज उस ग्रुप में से क्वालिफाई करेंगे, तब भी मेरा मजाक उड़ाया ऑस्ट्रेलिया लाफिंग इन द कॉर्नर, ऑस्ट्रेलिया लाफिंग इन द कॉर्नर। बजाता हूँ मैं सबको पकड़ के घंटा, जो जो बकवास कर मैं गुस्सा दूंगा सबको पकड़ के। ऑस्ट्रेलिया अभी भी लाफी कर रहे कॉर्नर के अंदर। बेशक आप वर्ल्ड कप जीते हुए हो, बेशक जो कुछ किए हुए हो, आपके टुल्ले शुल्ले जितने भी थे ना उसने घुसा दिया पकड़ के। और ऑस्ट्रेलियंस का घंटा बजाना है, ऑस्ट्रेलियंस की फेंटी लगानी है यार। मतलब इतनी रेड हॉट फॉर्म यार रोहित शर्मा, इतना हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि भाई स्टार के तुम धोती खोल के रख दोगे। मुझे याद है कुछ पाकिस्तानी घंटे आएंगे नीचे बोलेंगे यार अपसेट हो गया। दिस इज नॉट अपसेट, ये अपसेट नहीं है, वो अपने लोगों को खुश करना जानते हैं। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, हमारी टीम की तरह के जाके फिक्सिंग करके बिक जाओ। स्टार बेचारे को समझ नहीं आ रही यार मैं क्या करूं, मैं कहां बॉल कराऊं, वो बेचारा फुल टॉसिंग करा रहे। मतलब रियली इट्स अ सीरियस पावर हिटिंग, ये कोई आसान काम नहीं है। विराट कोहली जीरो पर आउट हो गया, ऋषभ पंत आ रहा है उससे भी वो भी स्ट्रगल कर रहा है, इंटेंट ही नहीं दिखा रहा। वहां एक बंदा रोहित शर्मा सेल्फलेस, यार अगर सेल्फलेस होने का कोई नाम है तो वो रोहित शर्मा है। एक बंदा मतलब परवाह ही नहीं है, मेरा कैरियर, मेरी कप्तानी, फलां फलां कुछ नहीं यार, वो सेल्फलेस हो के अपने देश के लिए, इतना वो नेशनलिज्म है उसके अंदर ना, वो परवाह किए बगैर अपनी विकेट की परवाह किए बगैर, देखो हर एक अटैकिंग शॉट थी आपका पकड़ के ना बाजा बजाया उन्होंने। इंडिया आपको यदो यदि कर सकता है, बदो बदनी यदो यदि आपके साथ कर सकता है।
पहला छक्का मारा, फिर दूसरे के लिए गया, दूसरे पे आउट हो जाता, सब कहते एक छक्का आ गया था ना, फिर क्यों अटैक किया। दूसरा मारा, फिर तीसरे के लिए गया, फिर कहते दो आ गए थे, फिर क्यों मारे अगले के लिए सेम ले। ये बहुत ही हाई रिस्क क्रिकेट है यार, ये बहुत ही हाई रिस्क क्रिकेट है। मैं सिर्फ यही कहूंगा ऑस्ट्रेलियंस रोहित शर्मा बहुत बदले की आग उसके अंदर भड़क रही है, जैसे हम सब फैंस के अंदर भड़क रही है ना, तो रोहित शर्मा भी चाह रहे कि भाई तुम लोगों का मैं घंटा बजा के रख दूं इस वर्ल्ड कप से, तुम लोगों की बत्ती गुल करके रख दूं। तो क्रिकेट से था आज का वीडियो, और आज का मैच देखकर, आज की ये जो शानदार जीत देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई।